निकलेगा कोई मोहम्मद नजीर तो वो फिर वहां पे पकड़े जाते हैं। ठीक है, बाकी तो चलो हो जाता है, लेकिन जब ये बात आ जाती है पता चल जाता है भाई ये सब झूठ था। और उन गाड़ियों का भी सेम केस है, उन गाड़ियों के पास मैंने एक गाड़ी के कागज पूछे जब 3 दिन पहले आया हुआ था, सिर्फ एक पॉल्यूशन और एक इंश्योरेंस है और कोई डॉक्यूमेंट नहीं उनके पास। वो गाड़ियां भी इलीगल हैं, उन पे भी अगर कुछ हो जाता है वो मुझे लगता है वो गाड़ियां जो है वो पता नहीं किस कंडीशन में यहाँ पे आई हुई हैं। हमारे लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे उनको सीज करना, कितनी गाड़ियों को सीज करेंगे अथॉरिटीज नहीं कर सकती है। बट इसमें मैं ये कहूंगा ड्राइवर भी आज सुन लें और पब्लिक भी साथ दे, उन गाड़ियों में बैठो ही मत। अगर पब्लिक बाइकॉट करेगी उन गाड़ियों में नहीं बैठेंगी, वो गाड़ियां खुद बहुत बंद हो जाएंगी। ठीक है, तीसरी बात मैं ये बोलूंगा कि हमारा एक मंथ के लिए रोड सेफ्टी मंथ चला जिसका मकसद ये था कि लोगों को अवेयर किया जाए। किसके रिगार्डिंग? रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग। मैं आपको बता देता हूं इंडिया में 1.5 लाख डेथ किस वजह से होती है? एक्सीडेंट की वजह से। कोविड आया, कोविड से इतनी डेथ नहीं हुई, लेकिन मैंने देखा कि लोग बाइक चला रहे होते हैं, हेलमेट नहीं डाली होती है, मास्क डाला होता है। बट हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मास्क। मैं ये कहूंगा आप स्पीड से मत चलें। जो लोग ड्राइवर हैं आप फोन, अगर आप आपको कोई फोन आता है ना, आप 2 मिनट के लिए साइड पे लगा के फोन पे किसी से बात करते हो ना, आपकी इज्जत बढ़ेगी। ठीक है, और ये एक मैसेज जाएगा। एक बंदे ने इनिशिएटिव लेना है, शुरुआत करनी है एक बंदे ने ऐसे करने की, सारे लोग उसको फॉलो करेंगे, ये मैसेज जाएगा। ठीक है, ओवर स्पीडिंग और फोन ये कुछ ऑफेंसेस हैं जो इंसान का को मेंटली डिस्ट्रैक्ट करते हैं, आपका दिमाग कहीं और है, ड्राइव कर रहे हो सोच कहीं और आ जाती है और एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। ठीक है, तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि यहाँ पे मैक्सिमम ऑफिसर्स भी जो आरटीओ साहब किराए के मामला को लेके बहुत शोर शराबा है, लोग कह रहे हैं कि किराए बहुत ज्यादा लिए जा रहे हैं, उसके मुताबिक आप क्या करेंगे? इसी सिलसिले में मेरे पास कंप्लेंट्स आई हैं, किराए का मामला जो है ये कोविड के बाद ऑल ओवर स्टेट जो है वो इशू बना हुआ है, तो उन कंप्लेंट्स को लेके मैंने आज यहाँ पे मेंडर में विजिट किया और यहाँ पे जो यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे मीटिंग की, और साथ में हमारे यहाँ पे SDM साहब बैठे थे, SDPO साहब बैठे थे, ट्रैफिक से उनके रिप्रेजेंटेटिव आए थे, तहसीलदार साहब थे, तो हम सभी ने मिल के लोगों को ये मैसेज दिया कि ये तो सच है कि रेट्स बड़े पुराने 2018 में रिवाइज हुए, उसके बाद नहीं हुए, तो हमने उनको ये यकीन दहानी कराई कि आप अभी ओवरचार्ज मत कीजिए। अभी रिसेंटली विद इन मंथ या बिफोर 1 मंथ भी हो सकता है कि रेट्स रिवाइज हो जाएं, तो फिर फाइनल कॉल करके उनको वो रेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो ताकि ये अभी फिलहाल ये ओवरचार्जिंग बंद करने के लिए। सर, मेंडोर एरिया में बहुत सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो कि बगैर कागजात के और ड्राइवर बगैर लाइसेंस के चल रहे हैं और ओवरलोडिंग भी बहुत ज़्यादा है उसके लिए। देखो, मैं आपके माध्यम से एक चीज़ बोलूँगा, कोई भी अगर ऑफेंस है, एक ट्रैफिक जो है ट्रैफिक बैकबोन होती है, सोसाइटी की बैकबोन है, एडमिनिस्ट्रेशन की बैकबोन है। मैं ये कहूँगा कि कोई भी अगर काम रोकना है, कोई भी चीज़ रोकनी है, मान लो कोई नशा है उसको रोकना है, कोई और ऑफेंस है उसको रोकना है, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ शाना बशाना चलते हुए पब्लिक का भी रोल होना चाहिए। पब्लिक को भी उतना अवेयर होना चाहिए, पब्लिक को उन गाड़ियों में नहीं बैठना चाहिए, पब्लिक और हमारा जो काम है हम अपना काम करेंगे, मैं रेगुलरली विजिट करता रहूँगा, मुझे जो भी गाड़ियाँ मिलेंगी जिनके कागज़ नहीं होंगे, जो इलीगल चल रही होंगी, उनका जो भी ऑफेंस बन रहा होगा एज पर ऑफेंस वो पेनलाइज की जाएंगे। सर, गाड़ी के पैसेंजर को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो एक्स्ट्रा फेयर चार्जेस गाड़ी को करके उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? मैं उनसे यही कहूँगा कि आज की मीटिंग में हमने ये डिसाइड किया है कि आप 1 महीने तक वेट कीजिएगा, ओवरचार्ज मत कीजिएगा, और 1 महीने के बाद जो हमारा रेट रिवाइज हो जाएगा वो रेट हम पब्लिकली बता देंगे, और उस रेट के अकॉर्डिंग ये जो है लोग किराया देंगे हम। और अभी जो हमारे ये ट्रैफिक रिप्रेजेंटेटिव हैं यहाँ पे, वो भी मान गए कि हम ओवरचार्ज नहीं करेंगे, तो होपफुली ये जो हमारी मीटिंग है ये फ्रूटफुल रहेगी। पब्लिक से मैं यही कहूँगा कि अगर आपने किसी काम के लिए आना होता है, आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। मैं मानता हूँ कि ये जो ड्राइवर तबका है ये इसकी बड़ी कंप्लेन आती है, लेकिन ये ड्राइवर तबका भी एक ऐसा तबका होता है कि इसके बगैर हमारा जो जीना है, हमारा हमारे एक तरह का काम में काम काज में बहुत मदद भी करते हैं, तो आप भी पब्लिक भी हमारे साथ कोऑपरेट करें। अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो अथॉरिटीज़ के नॉलेज में लाए ताकि अथॉरिटीज़ उस पर एक्शन लें, और जो जो कोई ऐसी कोई ज़्यादा ही गलत काम हो रहा होगा उसको रोका जाए।